सुजानपुर के कैलाशपुर में अति हवनात्मक रुद्र महायज्ञ का आयोजन करवाया गया, जिसमें 11 दिनों तक 9 महाकुंडों में हवन यज्ञ की आहुतियां डाली गई। देश के विभिन्न स्थानों से आए हुए आचार्यों ने शास्त्रीय विधाओं से यज्ञ का आयोजन करवाया। समाप्त कार्यक्रम के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने शिव कथा का श्रवण किया। बता दें कि मंदिर कमेटी कैलाशपुर की ओर से आयोजित करवाए गए इस महायज्ञ के दौरान लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। यज्ञ के दौरान घास व बांस से बनी हुई भव्य कुटिया आकर्षण का केंद्र रही। हर पेरेंट का सपना होता है कि उनका जो बच्चा है वो आईआईटी जेई का एग्जाम क्लियर करे, नीट मेडिकल एम्स का एग्जाम क्लियर करे, या वो एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बने। कैलाशपुर में शिव मंदिर में जो अति रुद्र महायज्ञ चल रहा है, उसका हवन का आखिरी दिन है। अभी थोड़ी देर में पूर्ण आहुति डाली जाएगी, उसके बाद शिवपुराण जी की जो है कथा चल रही है, उसका भी जो है आज समापन होगा। श्री रामचित्र मानस जी का भी आज समापन होगा और उसके पश्चात लंगर यहाँ पे सभी नगरवासियों और कैलाशपुर वासियों के लिए लगा हुआ है, वो जहाँ पे आएँ और कथा सुनकर अपना आनंद। जय श्री हवनात्मक अति रुद्र महायज्ञ जो क्षेत्रीक से 16 तारीख तक शुरू हुआ था, आज उसका समापन दिवस है। सारे ही इलाका निवासियों ने, शहर वासियों ने बढ़ चढ़ भाग लिया है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवादी हूँ अपने बाबा नागा योगी नरोत्तम गिरी जी महाराज जी का, जिन्होंने ये शुभ अवसर हमारे कैलाशपुर वासियों को, सुजानपुर वासियों को दिया। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। 6 तारीख से 16 तारीख तक का जो 11 दिन का समय है, ये हमें पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गए हैं 11 दिन। मैं एक बार फिर जितने भी साधु संत समाज से संत आए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से बहुत स्वागत भी करता हूं, उनका ऋणी भी हूं, और जिन लोगों ने जी भर कर दान दिया है उन लोगों का भी मैं बहुत ऋणी हूं। खासकर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है, उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूं। और जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया है। हमारे गांव की जितनी मेरी माताएं बहनें दिन रात जहां पर खाना बनाने में लगी रही हैं, तो जितने भी प्रभु कार्य में लगे हुए हैं मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और परमपिता परमेश्वर से, भोले शंकर जी से मेरी बेनती है कि सब पे अपना आशीष बना के रखें, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें, और भोले शंकर जी ऐसे ही हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद रखें, ता जो समाज को जो जिस दिशा में प्रभु की कृपा से ले जा रहे हैं और अच्छे आचरण के लिए लोग आगे आए आते रहें। बहुत बड़ा जो प्रोग्राम था जो भगवान ने मौका दिया और अपने आशीर्वाद से आज उसका समापन भी है। कष्ट भी हो रहा है मन को कि आज थोड़ी देर में पूर्ण आहुति भी डाली जाएगी। 11 दिन से लगातार सुबह शाम हवन भी चल रहा था, कथा भी चल रही थी, बहुत आनंद आ रहा था। मैं सारे ही एक बार फिर से जो हमारे जितने भी पंडित जी आए हैं बाहर से, हमारे कथावाचक शास्त्री जी, उनकी पूरी टीम, सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। कोई गलती हमसे हो गई हो तो हमें क्षमा करना। जय श्री राम, जय बोलो जी। Hello everyone, my name is Nitesh Chaudhary and I graduated from IIT Bombay in 2009. I have recently joined Sandeepni Gurukul as Foundation and Academic Director. हर पेरेंट का सपना होता है कि उनका जो बच्चा है वो IIT JEE का एग्जाम क्लियर करे, नीट मेडिकल एम्स का एग्जाम क्लियर करे, या वो एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बने और बहुत ही अच्छा वो डॉक्टर बने, बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करे। लेकिन उसकी जर्नी क्लास 11 से स्टार्ट नहीं होती है, उसका जो प्रिपरेशन प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाउंडेशन प्रोग्राम लेके आए हैं।
अलॉन्ग विद द सीबीएसई करिकुलम हम फाउंडेशन चाहते हैं स्टूडेंट्स का इतना स्ट्रांग हो कि वो क्लास 11th में जब आए तो उसको ऐसा फील नहीं हो कि एक नई दुनिया में वो पहुंच गया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, भले ही वो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक्स। अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आगे बढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे किसी भी एक बिल्डिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका फाउंडेशन, वैसे ही जो ये जर्नी है प्रिपरेशन एग्जाम की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, उसका भी फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सो आई वेलकम ऑल द पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी। लेट अस बिल्ड आवर चिल्ड्रन फ्यूचर टुगेदर।